हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आज हम बनाने जा रहे हैं धनिया और पुदीने की चटनी। तो चलिए मैं आप सबको बता देती हूँ कैसे कैसे बनती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस रेसिपी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें लहसुन के जवा डाल दिए हैं। अब इसमें हम दो हरी मिर्च काट के डाल देंगे। तो अब इसमें मैं एक ये टमाटर काट दूंगी, बड़ा टमाटर। तो यहाँ पर अब मैंने इसमें डाल दिया है एक बड़ा टमाटर। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले सारे। तो यहाँ पर अब हम हरी चटनी ये जो बनाने जा रहे हैं इसमें डालेंगे आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे, एक चम्मच यहाँ पर हम इसमें नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सारे मसाले डालें। तो यहाँ पर अब इसमें मैंने धनिया और पुदीना पत्ती डाल दी है। हम एक साथ सारे नहीं डालेंगे, पत्ती थोड़ी थोड़ी करके ही डालेंगे और फिर पीसेंगे। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो सब एक साथ नहीं पीसेंगे, इसीलिए थोड़े थोड़े करके ही डालें और फिर इसे पीस लें। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरी चटनी को अच्छी तरह पीस लिया है और इसमें एक मैंने नींबू भी डाल दिया था पूरा। देखिए एकदम चटपटी बनकर तैयार हुई है ये चटनी। बिल्कुल आप भी इसी तरह अपने घर पे हरी पुदीने की और धनिया की चटनी बना सकते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना, बस कुछ स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है इसमें और उसी तरह आप बना सकते हैं। मैंने इसमें सारे मसाले अपने अकॉर्डिंग डाले हैं जिस हिसाब से हम लोग खाते हैं, पसंद करते हैं। नॉर्मली भी इतने ही मसाले डाले जाते हैं, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आप सबको इस रेसिपी से जुड़ी या किसी और रेसिपी से जुड़े कुछ सवाल हैं तो मुझसे कमेंट्स करके इस वीडियो में पूछ सकते हैं या किसी और वीडियोस में भी। और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ शिवांगी व्लॉग्स के नाम से, तो आप मुझसे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं कुछ सवाल। और आपको वहाँ पर मेरी रेसिपी से या मेरे चैनल के व्लॉग से आपको सारी अपडेट वहाँ पर भी मिलती रहेंगी। तो आप मुझे वहाँ पर भी जाके फॉलो ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।